विमेन इन ब्लू के पास है 2 विश्व कप जीतने का मौका, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं विमेन्स आईपीएल की। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और एनडीटीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कमेंटेटर अंजुम चोपड़ा। अंजुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। जी, तो एक तरफ भारतीय महिला जो अंडर 19 टीम है वो अंडर 19 विश्व कप में बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और उम्मीद है कि विश्व कप यहाँ पर जीतेगी, लेकिन कहीं जो पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ हार मिली थी वो महंगी ना पड़ जाए, क्या लगता है आपको? आपने दोनों बातें इकट्ठी बोल दी सुनीता जी। तो मैं पहले से शुरू करती हूँ कि जी हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया से मैच हारी है, श्रीलंका से जीती है, तो अब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अब दूसरी टीमों के हाथ में है कि वो भारतीय टीम को सेमीफाइनल के लिए अंदर आने देते हैं या नहीं, क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ी ज्यादा गंभीर है। जीतना तो बहुत दूर की बात है, पहले सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, उसके बाद वो जीतेंगे फिर फाइनल की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो उन्होंने शुरुआत करी थी टूर्नामेंट में वो बढ़िया थी, और उसी तरीके की शुरुआत एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रिपेयर करके गए हैं या काफी महीनों से या 1-1 साल से ज्यादा अभ्यास चल रहा है अंडर 19 टीम का, सो विच इज गुड। बट मिस कर गई अगर यहाँ सेमीफाइनल बर्थ तो निराशा होनी चाहिए। जी, लेकिन कैपेबिलिटी है टीम के पास, जिस तरह से हमने पहले मैच में देखा, शेफाली है, श्वेता शेरावत है, बाकी जो यंगस्टर्स हैं कोशिश कर रहे हैं और यहां तक लेकर आए हैं, तो उम्मीद है कि अगर पहुंचते हैं फाइनल तक तो जीत भी सकती है भारतीय टीम। देखिए, ये तो क्रिकेट है ना, पहले पहुंचेगी, पहले जीतेगी, पहुंचेगी, जीतेगी, खेलेगी, फिर आगे चलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप है, आपने अच्छे नाम लिए, सब में प्रतिभा है। इसीलिए कह रही हूँ कि अगर सेमीफाइनल नहीं पहुंचती है तो निराशाजनक रहेगा सभी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है, जो मैंने थोड़ा बहुत भी मैचेस देखे हैं, कि हमारी टीम के पास अच्छी खासी प्रतिभा है वीजा वी बाकी टीम्स। तो अब देखिए क्या होता है, इंतजार करना पड़ेगा सेमीफाइनल लाइनअप का। जी बिल्कुल, और दूसरी तरफ विमेन्स हमारी जो सीनियर टीम है T20 विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है, ट्राई सीरीज चल रही है। 2020 का जो विश्व कप फाइनल था उसमें हार मिली थी, तो कहीं ना कहीं अब मौका है भारतीय टीम के पास यहाँ विश्व कप घर लाने का, तो क्या लगता है आपको, हो पाएगा सपना इस बार साकार? अभी तो बहुत दूर है विश्व कप घर लाने से, पर ये जरूर है कि जो त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है, वहां साउथ अफ्रीका से जीते हैं, वेस्ट इंडीज से जीते हैं, और मुझे लगता है वेस्ट इंडीज का मैच देख के तो ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज बहुत ही हल्की टीम है, तो उनको खेलना ही नहीं आता, इस तरीके से खेल चल रहा था। लेकिन ऐसा है नहीं, विश्व कप विजेता टीम है तो उनको बिल्कुल पता है T20 कैसे खेलते हैं, बट अभी तक उनको थोड़ा फीका प्रदर्शन रहा है। जहां तक भारतीय टीम का विश्व कप जीतने की बात है, उम्मीद तो हमारी यही रहती है कि हर विश्व कप में जब भी भारतीय टीम जाए, चाहे मेंस की हो, विमेंस की हो, अंडर 19 की, वो जीत के लौट कर आए, बट ऐसा है नहीं। आई थिंक सब टीम्स बहुत बढ़िया है, और T20 हमारा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है एज ऑफ नाउ, लेकिन ये जरूर है कि हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं और हर दिन एक नया चुनौती वाला दिन है। सो लेट्स सी, लेट्स टेक इट बाय द डे। जी बिल्कुल, बड़े टूर्नामेंट्स का इशू जो है वो हमारे मेंस और विमेंस दोनों ही टीम्स के पास रहता है कि हम क्लियर कर जाते हैं, बायलैटरल सीरीज में अच्छा होता है, लेकिन जब हम विश्व कप में एंटर करते हैं, नॉकआउट्स में एंटर करते हैं, तब जो स्थिति है वो थोड़ी हलचल हो जाती है। उसमें क्या किस क्या प्रेशर हो जाता है या किस चीज को हम हैंडल नहीं कर पाते? आई थिंक हर विश्व कप की एक अलग स्थिति रही है, हर मैच का अलग सिनारियो रहा है, तो ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं है कि हम प्रेशर नहीं हैंडल करते या परफॉर्म नहीं करते। कुछ ना कुछ कमी रहती है, और वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपके पास हर क्षेत्र के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट स्किल लेवल, बेस्ट डिलीवरी ऑन दैट पर्टिकुलर डे, हर चीज का बेस्ट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेकंड बेस्ट रहेंगे तो आप टूर्नामेंट में या उस कॉन्टेस्ट में भी सेकंड बेस्ट आ जाएंगे। तो विश्व कप है, तो कहते ना उस दिन पे कौन ज्यादा अच्छा खेलता है, तो ये वो वाली बात है। जी बिल्कुल, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चर्चाएं इस वक्त विमेंस आईपीएल की हो रही है अंजू मैम, तो क्या आपको लगता है कि जो 15 लगातार सीजन बीसीसीआई ने मेंस आईपीएल के होस्ट किया, शानदार सीजन रहे हैं, सक्सेसफुल, क्या वैसा ही सक्सेस हम विमेंस आईपीएल को लेकर देख रहे हैं? पहले सीजन में तो कहना मुश्किल है कि हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे और कैसे निकल कर आएगा, पर ये जरूर है, उम्मीद है कि जो सक्सेसफुल मॉडल आईपीएल बना है और विश्व भर के अंदर बना है, अब विमेन्स आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सेम सक्सेसफुल मॉडल यहाँ भी रेप्लीकेट हो, उसी तरीके से खेल चले, और उससे ज्यादा बेहतर है कि आई थिंक बड़े लेवल पे देखेंगे तो मैं समझती हूँ कि अगर वुमेन्स का खेल एक नए लेवल तक आ सकता है, एक नए स्तर तक आ सकता है वुमेन्स आईपीएल के चलते, तो वो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी।
गेम ग्रो करेगा तो हर चीज आसपास वाली और अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, तो ऑन अ लॉन्गर वर्जन आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप है ये। जी बिल्कुल, तो आईपीएल को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है सबके बीच में, प्लेयर्स को भी होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुई है प्लेयर्स की, तमाम जो विदेशी प्लेयर्स हैं उन्होंने किया है, तो किस तरह का ऑक्शन में देखने को मिल सकता है, किन प्लेयर्स पर बोली बड़ी लग सकती है, क्या एक्सपेक्टेड क्या है, क्या लगता है आप? अभी वो सारे खिलाड़ियों के नाम आए नहीं है कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, तो किसी एक आध दो खिलाड़ियों पे कहना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कितनी फ्रेंचाइजीज हैं और कहाँ कहाँ पर हैं और कौन से जी प्लेयर्स अवेलेबल हैं इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। तो उसके बाद आई एम श्योर कि वो सब टीम्स अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगी प्लेयर्स के ऊपर, पहले टीम फ्रेंचाइजीज मिल जाए उसके बाद टीम स्ट्रैटेजी बनेगी कि कौन से प्लेयर होने चाहिए। जी बिल्कुल। और एक चीज हम ये भी देख सकते हैं इसमें कि जो डोमेस्टिक लेवल के जो प्लेयर्स हैं, जो घरेलू स्तर पर जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन प्लेयर्स को मौका नहीं मिल पाता टीम इंडिया में, क्योंकि बेस्ट 15 ही खेलेंगे और प्लेइंग में बेस्ट 11 ही खेलेंगे, तो उन प्लेयर्स को काफी फायदा होने वाला है वुमेन्स आईपीएल से। इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी काफी फायदा होगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, आप इंडिया खेल रहे हो तो आप बेस्ट हो या आप बेस्ट मिल रहा है। आई गेस कि जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आते हो तो आपके लिए हर मौका एक चैलेंज रहता है अपना अच्छा अच्छा परफॉर्म करने का भी, और टीम के लिए भी, बिकॉज ये कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आपने अपनी टीम के प्लेयर के सामने नहीं खेलना। आप अपने टीम वाले के साथ भी खेल सकते हैं जिसके साथ भारतीय टीम में खेलते हो, और सामने फ्रेंचाइजी के लिए जो दूसरा प्लेयर रहेगा आपका टीममेट हो सकता है वो भी ये सामने से आएगा। सो सभी के लिए एक चैलेंज है, एंड चाहे डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो सबके लिए अच्छा रहने वाला है ये। जी, और एक चीज हमने देखी मेंस आईपीएल में भी देखा कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इंडियन टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन बिकॉज ऑफ आईपीएल वो प्लेयर्स आज इंडियन टीम में खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ इधर से भी निकल कर आएगा उम्मीद है। उम्मीद यही है, इसीलिए ये टूर्नामेंट काफी इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। और अंडर 19 विश्व कप का फाइनल नजदीक ही है, अब हम अभी पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टीम इंडिया पहुंचेगी फाइनल में या नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी अंडर 19 टीम को कि किस तरह की स्ट्रेटजी अगर यहाँ से वो बनाएं तो फाइनल्स तक जा सकती हैं, या आपको क्या लगता है कि किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए अभी फिलहाल टीम को? अभी तो इंतजार करना पड़ेगा कि सेमीफाइनल तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, पर जो अभ्यास जो ट्रेनिंग इन्होंने करी है जाने से पहले विश्व कप के लिए वो बहुत बढ़िया करी है। सो इसीलिए मुझे जी लगता है कि अगर अच्छा जिस तरीके से प्रिपेयर करके गए हैं और अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे रहेंगे तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम बाकी टीमों के मुकाबले अच्छी खासी टीम है। जी और विश्व कप इस बार वनडे का विश्व कप होने वाला है भारत में, लेकिन उनसे पहले जो ज्यादा चर्चाएं अब दोनों जो विमेन्स एंड ब्लू का जो टारगेट है या जो दो विश्व कप है उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है कि उस विश्व कप से पहले कहीं हमारे पास यहाँ विमेन एंड ब्लू अगर दो विश्व कप लेकर आती है तो वो खुशी दोगुनी तिगुनी बहुत गुनी ज्यादा हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि आ रहे हैं दो विश्व कप इस बार घर विमेन एंड ब्लू की तरफ से? अभी तो एक ही विश्व कप है T20 का जो साउथ अफ्रीका के अंदर होने वाला है फरवरी के अंदर, जी उसके बाद अच्छा अंडर 19 की मैं साथ में बात कर रही हूँ। अंडर 19, जी जैसे मैंने कहा अंडर 19 का तो अभी स्थिति पता नहीं ना कि सेमीफाइनल भी खेल जी रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, वहां पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो विश्व कप आना तो तब की बात है जब मैच खेलेंगे, सो आई थिंक हमें इंतजार करना चाहिए। जी अभी भारतीय टीम को अंडर 19 के लिए इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन आपने जैसे कहा कि जीत सकती है भारतीय टीम, और बींग एन इंडियन और आप तो एक क्रिकेटर रहे हैं, इतने टाइम से आपने इंडिया के लिए खेला है, क्रिकेट को डीपली फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे कि आपने बोला कि भारतीय टीम में काबिलियत है, जीत सकती है, और उम्मीद हम यही करेंगे सभी की भारतीय टीम विश्व कप लेकर आए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और NDTV को टाइम देने के लिए अंजुम बहुत बहुत आपका शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू।